बात निकली है फिर मुस्लिमों की, अब बाद में ये भी उसका प्रोसेस वही था, हम लोग कुछ भी लिखते नहीं है ये तो बिल्कुल इतनी भी नहीं लिखे फिर तो कुछ है ही नहीं जी, फिर क्या लिखेंगे फिर तो क्या करें क्या लिखो हाँ मैडम फाइल रखी हो गई जो कार्ड का मेरे लिखी थी फिर माफी थी उसको तो उस पर तो आज फाइल लिखी हुई है मतलब आज और तो कोई लिखे थी और वही तो लिखी है जिसमें बात है पहले तो वो समझ करते भी ये फर्म उस दिन से हुई थी उस दिन मारो जो हुई उस दिन असेसमेंट सब कुछ वही था और फिर वहाँ से ले गई मारे मेरे गया मेरी कंडीशन भेज दी इतना तो वैसे तो बताने पड़ता जी बाकी दिखा दी दिखा दी। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की देख रहे हैं जहां पर एक और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जी हां ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं और हमारी अपील आप सभी से है जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यह कोई लाखों का घोटाला नहीं है बल्कि कई करोड़ों का घोटाला है, कई करोड़ों की रिश्वत कांड का यह घोटाला है। हम आपको बताना चाहेंगे करनाल के सेल्स टैक्स विभाग कार्यालय के बाहर मौजूद है और हम आपको आगे लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जितनी भी गाड़ियां ट्रांसपोर्टर्स की जितनी भी गाड़ियां व्यापारियों की करनाल के नेशनल हाईवे पर पकड़ी जाती थी उनसे बड़े स्तर पर जो है रिश्वत की डिमांड की जाती थी। इसकी जब ऑडियो वीडियो जो स्टिंग था वो सामने आया खुद व्यापारियों ने व्यापारियों के ड्राइवरों ने जब ये स्टिंग किया तो कई व्यापारियों का स्टिंग सामने आने के बाद सेल टैक्स विभाग ने मीडिया में मामला जब सामने आया करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने सेल टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जब बातचीत की तो ये मामला खुलते हुए कहीं देर नहीं लगी और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि खबर का असर भी हुआ और सेल टैक्स विभाग के तीन अधिकारी और जी हाँ दो अधिकारी जिसमें एक ईटीओ प्रशांत कादियान का नाम सबसे सामने आ रहा था इंस्पेक्टर सतीश गुप्ता और ड्राइवर ओम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर सरकार प्रदेश सरकार जो भ्रष्टाचार फ्री की बात करती है करप्शन फ्री का नारा देती है खुद उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र करनाल में हर विभाग में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके बारे में करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार पहले भी बेहिचक दिखाता रहा है और अब इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेल टैक्स विभाग की जहां पर किस तरह से करोड़ों रुपया जो है मंथली जो है इकट्ठी की जाती थी हालांकि लाखों रुपए की डिमांड करते हुए अधिकारियों की ऑडियो वीडियो सीडी जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये सीडी जो है प्रदेश सरकार तक भी पहुंची है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करेगी। लेकिन हमें लगता नहीं है क्योंकि पहले भी कई बार कई विभागों के मामले सामने आ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे खाद्य पूर्ति विभाग के दो बार फरवरी और पिछले महीने हुए आटा घोटाले में अब तक अधिकारियों के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार सरकार क्यों इन दोषी अधिकारियों को बचाती है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ तमाम सबूत होते हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले करनाल के मार्केटिंग बोर्ड के अनाज मंडी के धान और गेहूं घोटाले को करनाल ब्रेकिंग न्यूज कई बार दिखा चुका है लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। अब यह सामने आया है सेल टैक्स विभाग के किस तरह से अधिकारी ये जो बड़े बड़े ट्रक्स आप देख रहे हैं इन ट्रकों को सेल टैक्स विभाग में कई कई दिन रोक लिया जाता था और इनसे जो है शुरू होती थी उगाही का सिलसिला जिसमें एक बात सामने आई है कि ईटीओ साहब के एक साले साहब हैं जो पानीपत में रहते हैं वो किस तरह से उगाही में शामिल थे और किस तरह से जो दलाली का काम करते थे वो साले साहब सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि इन्होंने अगर इनकी मांग जांच जो है एक बड़े एजेंसी से कराई जाए विजिलेंस से ऊपर ईमानदार एजेंसी से कराई जाए तो कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन लोग जो हैं दोषी हैं बल्कि इनके ऊपर तक बैठे जो लोग हैं उन तक पैसा जाता था क्योंकि जो ड्यूटीज हैं वो यही बड़े अधिकारी लगाया करते थे और उसी अधिकारी को बार बार ड्यूटी पर भेजना सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि लाखों रुपये अगाही करने वाला किस तरह से ऊपर तक जो है साठगांठ है, यहां नहीं बल्कि चंडीगढ़ लेवल तक साठगांठ है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार करनाल नेशनल हाईवे पर सेल टैक्स की ड्यूटीज लगवाने के लिए यहां पर करनाल में पोस्टिंग लगवाने के लिए ऊपर तक जो है अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है क्योंकि नेशनल हाईवे है जहां से रोजाना बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स के दिल्ली पंजाब राजस्थान कई बड़े बड़े राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां यहां से निकलती थी और जब उनको रोका जाता था तो एक गाड़ी में अगर 20 लाख रुपए का माल है तो 1 लाख रुपए में जो है डील होती थी और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा 1 लाख रुपए जुर्माना बचाने के चक्कर में ट्रांसपोर्टर 20,000 रुपए की रसीद कटवाता था और 80,000 रुपए जो इंस्पेक्टर हैं ईटीओ हैं वो अपनी जेब में डाल लेते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर एक गाड़ी से 80,000 लाख 1.5 लाख रुपया वसूला जाएगा तो दिन की उगाही कितनी ज्यादा होती है। इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं, हम आगे पूरी खबर आपको दिखाएंगे और हमारी अपील आप सभी से है जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी अपील है कि कम से कम आपके पास जब इस तरह का मामला जरूर पहुंचता है तो सख्ती से कार्रवाई जरूर करें ना कि इनाम में अधिकारियों को सिर्फ ट्रांसफर दे दिया जाए उनको दोबारा से उस सीटों पर बिठा दिया जाए जैसा कि खाद्य पूर्ति विभाग में होता आया है। आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ या भ्रष्ट डिपो होल्डर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों राजनेता ही उनको बचाने के में लगे हुए हैं। हमारी अपील आप सभी से करनाल के हर एक शख्स से अपील है जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा सभी फेसबुक ग्रुप्स में सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा और अब आप देखेंगे पूरी खबर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सेल टैक्स विभाग में किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का रिश्वत कांड जो है सामने आया है।
कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। सर, ये पहली गाड़ी जो हमने 3 मई को इनसे रिलीज कराई, वो परेशान कादियान जी जो ETO साहब हैं उन्होंने पकड़ी थी, और फिर उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए की इसमें हमको RTGS दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बाद में हमारी उनसे सेटिंग हुई, तो सेटिंग में 2,25,000 की उनसे बात हुई थी, जिसमें 2 लाख मैंने उनको कैश दिए, उनके साले को मनजीत को पानीपत में संजीत चौक के नीचे फ्लाईओवर के नीचे जाकर रात में 10 बजे के आसपास। उसके बाद फिर यहाँ से रात को 10:30 बजे के टाइम हम अपनी गाड़ी ले गए। उसके ये A to Z ट्रांसपोर्ट के नाम से गाड़ी थी। मेरे अपना मिलने वाला मेरा दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है हम लोग, वो कश्मीरी है, मैं दिल्ली से हूँ। उन्होंने मुझसे कहा यार ऐसी ऐसी बात है, ये हमारी करनाल में गाड़ी रोक ली है, तो मैं उनके साथ आया, फिर उनकी गाड़ी कादियान जी से लेकर गया। उसके बाद में फिर प्रशांत कादियान जी ने मेरे भतीजे की स्टीम कश्मीर ट्रांसपोर्ट के नाम से गाड़ी रोकी, और उसमें भी डिमांड वही 5 लाख रुपए तो उनके हैं कंफर्म। पहले डिमांड जो होती है वो 5 लाख की होती है, फिर नेगोशिएट स्टार्ट होता है। तो मेरे भतीजे की गाड़ी में उन्होंने 65,000 रुपये की RTGS ले ली, जो गवर्नमेंट के खाते में चली गई टैक्स पेनल्टी के साथ, और 2 लाख रुपये उनके दूसरे साले ने जिसका नाम बलराम है उसको दिलाए पानीपत अनाज मंडी में जी। ठीक सर, फिर अभी रिसेंटली फिर ये अपना परवीन जी ने ETO साहब जो हैं परवीन साहब, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरे भतीजे की आसिफ की। पहले 2 लाख समथिंग की कुछ RTGS की बात हुई, फिर गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही 1 महीना, उनसे नेगोशिएट हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो 40,000 की हमने उसमें उनको RTGS दी, और 1 लाख रुपये हमको हाथ से उनको कैश देना पड़ा। तो ये सर आम हो गया है यहाँ पर, जितने भी ETOs हैं इनके लिए आम हो गया है कि गाड़ी रोक लो, ये लोग आएंगे नेगोशिएट करेंगे, कुछ ना कुछ देंगे और गाड़ी लेकर जाएंगे। हमारी मजबूरी होती है सर, क्योंकि लोगों की अमानत हमारे पास होती है, उनके माल हमने टाइम से डिलीवरी देने होते हैं। अगर हम टाइम से नहीं करेंगे, दिल्ली की मार्केट में भी कॉम्पिटिशन है, एक ट्रांसपोर्ट छोड़ 100 ट्रांसपोर्ट हैं, माल पार्टियाँ जो हैं दूसरों को माल देने लग जाती हैं, तो हम मजबूरी में गाड़ी फंसी होती है, हम भी मजबूर होते हैं, किसी में किशमिश होती है, किसी में छुआरा होता है, किसी में कुछ होता है, माल गड़ने सड़ने का डर होता है, खजूर होती है उसमें कीड़ा लग जाता है, तो इस वजह से इन लोगों को हम भी दे लेके अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादती है सर, आम हो चुकी है ज़्यादती यहाँ पर, ख़ास तौर से करनाल में, सिर्फ करनाल में, पूरे हरियाणा में टेंशन तो रहती है हमको जब हमारी गाड़ी हरियाणा में एंटर करती है तब से, लेकिन जब तक शंभू बैरियर क्रॉस नहीं होता हम रातों की नींद आराम से नहीं सो पाते सर जी, बहुत परेशानी है कि हमारा जो DTC है उनको भी जाता है, सबको जाता है, कहते तो यही है, अब ये किस किस को देते हैं नहीं देते अपने घर ले जाते हैं यही जानते होंगे, लेकिन कहते यही हैं सभी ट्रांसपोर्ट वगैरह कश्मीर के हैं ऑलमोस्ट। अगर ऑन द रोड बात करते हैं तो ये होता है कि जी 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 50,000 से नीचे तो बात ही नहीं होती रोड पर भी, जिसकी गाड़ी जैनियन है उसकी भी, अगर जिसकी गाड़ी में कुछ लगा कि हाँ भी कुछ होगा तो फिर उसके साथ बार्गेनिंग स्टार्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं कंटिन्यू। अब ये होता है पहले 5 लाख की सुनाते हैं ट्रांसपोर्टर को, उसके बाद में होता है कि जी क्या दोगे, क्या लोगे, कैसे करोगे, ड्राइवर के थ्रू बीच में किसी बंदे को डाल के, ब्रोकर को डाल के, या जैसे कादियान साहब हैं वो अपने सालों को बीच में डाल के किसी ना किसी थ्रू से किसी कोई ना कोई वे आउट ऐसा निकालते हैं कि वो बंदा बीच में आता है, उसके थ्रू सारा नेगोशिएट करके जो कैश का अमाउंट होता है वो उन लोगों को दिलवा दिया जाता है, और RTGS यहाँ पे दफ्तर में मंगा कर और गाड़ी रिलीज़ कर दी जाती है। कितने लोग लिंकअप हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से कम से कम 8-10 लोग। अब जैसे परवीन जी हैं तो उनके साथ उनके इंस्पेक्टर हैं, कादियान साहब हैं उनके साथ में उनके अपना इंस्पेक्टर भी है, ड्राइवर भी है, सभी के साथ है, मतलब ये सारे मिले हुए हैं टोटल। कितने टाइम से चल रहा है ये सब बात? सर जी हम तो तकरीबन 2-2.5 साल से भुगतते चले आ रहे हैं, जब से GST, जब खासतौर से जब से GST आया है तब से तो बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मुनीर खान है सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट है, कश्मीर का ही काम करता हूँ मैं भी, और हमारी भी गाड़ियाँ मतलब एक दो मरतबा यहाँ पर रुकी, हमने चेक कराई हैं तभी से, मतलब ये है कि बस अनर्थ है जी, अनिधि ढा रखी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये करते हैं कि प्रशांत कादियान को, परवीन जी को, सत्येंद्र, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो हमें इस रोड पे चाहिए ही नहीं, जहाँ पे हमारी ट्रांजिट की गाड़ियाँ निकलती हैं वो हमें इस रोड पर नहीं चाहिए। यहाँ से हटाए, करनाल से हटा के अगर उनको अंबाला भेज दिया सर वो हमें फिर भी परेशान करेंगे, करनाल से हटा के सोनीपत पानीपत भेज दिया वो हमें फिर भी परेशान करेंगे। निवारण चाहिए हमें, निवारण ये चाहिए कि इस रोड पर वो हमें चाहिए ही नहीं। हमें मंत्री जी से यही मेरी गुजारिश है कि इन लोगों का ट्रांसफ़र ऐसी जगह डाला जाए जहाँ पे इनको गाड़ी देखने के लिए ना मिले, तब इनको पता चलेगा। और कोई हमारे लिए से पूछे, जब हम मेहनत करते हैं रातों के 3-3 बजे तक गाड़ियाँ भरते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से खिलाते हैं, और ये हमसे किस तरह से रिश्वतें मांग लेते हैं। तकरीबन 25 मेंबर आज यहाँ पर करनाल सेल टैक्स ऑफिस में आए हैं। हमारी एक मेंबर की परसों 30 तारीख को सुबह 5 बजे से 6 बजे से गाड़ी रुकी हुई है, जिसके बारे में ये हमारे को कोई बात नहीं करना चाहता, जो ETO ने गाड़ी रोकी है।
ना हमारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो देना चाह रहे हैं, उसकी फोटो ना वो कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना चाह रहे हैं, तो इसलिए इस विषय में हम इनको मिलने के लिए आए हैं। अभी एंटर करेंगे, जाके देखते हैं इनका क्या बिहेवियर हमारे पास रहता है, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते या क्या कार्रवाई चाहते हैं। पहले तो हमारे क्वेश्चन हैं चार इनके ऊपर, आपने किस ग्राउंड के ऊपर हमारी गाड़ी रोकी है, वो ग्राउंड हमारे को ये क्लियर नहीं कर रहे, तो इसके बाद अगला स्टेप हम देंगे जी, जो भी करना होगा। आगे भी ऐसी रहेगा? हाँ जी, अगर बात नहीं मानते तो आगे नहीं मानते तो हम तो कोर्ट भी जाएंगे, गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, खट्टर साहब को भी मिलेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मिलेंगे, हमारी पहले भी रविंद्र कौशिक जी से बात हो चुकी है, संजीव कौशल जी से बात हो चुकी है, और हम फर्दर भी जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। ट्रांसपोर्ट को कितनी देर ट्रांसपोर्ट अपना ऐसे उत्पीड़न करवाता रहेगा? आपके कागज पूरे थे गाड़ी? बिल्कुल कागज पूरे हैं जी, ईवे बिल भरे हुए हैं, जो इनको सूट नहीं करते इनको ये तो कहते हैं कागज छोड़ो, कागज गलती करो, हमारे को महीना दो और कागजों के बिना जाओ, इनको वो लोग पसंद हैं ज्यादा। कहीं ना कहीं जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ जी, जानबूझ के तंग कर रहे हैं, जानबूझ के तंग करते हैं जी, करप्शन के लिए तंग करते हैं। मोदी सरकार कैसे कैसे खुले आम 50,000 रुपए महीना टीम मांगती है जी, यदि आपने काम करना है, यदि यहाँ से निकल के जाना है तो हमारे को 50,000 रुपए महीना दोगे तो काम कर पाओगे, हमारे को ये पैसे ऊपर तक देने पड़ते हैं, हमने ऊपर तक ये पैसे देने होते हैं, इसलिए 50,000 से काम हमारा नहीं चलता। क्या नाम है आपका? मनजिंदर पाल सिंह, एज ए चेयरपर्सन दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मीडिया के माध्यम से कुछ हमने विभाग को जानकारी हुई है कि कुछ अधिकारी लेवल के हमारे व कुछ कर्मचारी लेवल के आदमी एक रोड साइड चेकिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं इस तरह के, इसमें तो उनको आइडेंटिफाई शायद एक दो ऑडियो में या उसमें नाम भी बता रहे हैं वो, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए सरकार को लिख दिया गया है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भी कोई अधिकारी गलत काम करे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अनंत सर, 2 साल जब से GST लागू हुआ है जी, तब से ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सेटिंग, ये सब मामला चल रहा है। 3-4 लाख रुपए मांगते हैं और गाड़ी बच्चे काट के छोड़ देते हैं, 3 लाख की रिश्वत मांगी जाती है और उनपे RTGS कराई जाती है 30-40 हज़ार रुपए की मांग करके, और चलान भरा जाता है 5-5 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए का, ये क्या मामला है सर? और इसी के साथ और बता दूँ, इसी के साथ और बता दूँ कि जो बिल कटे जाते हैं जब गाड़ी बिल्कुल क्लियर होकर के पहुँच जाती है तो वो बिल फिनिश हो जाते हैं, वो दोबारा से कापियाँ बन जाती है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो बिल ये एक प्रैक्टिस है जो विभाग की नज़रों में आती है कि व्यापारी लोग बिल काट के और उस बिल को जो आप कह रहे हैं कि बाद में फाड़ देते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस व्यापारी लोग करते हैं। तो चेकिंग के दौरान जितनी ज़्यादा चेकिंग होगी उससे वो बिल पकड़े जाएंगे और उनके पकड़े जाने के बाद वो ईवे बिल जो सरकार का पोर्टल है उस पर वो वेरीफाइड, जब अधिकारी जब चेकिंग करता है तो वेरीफाइड लिख देता है। सर ये जो मामला है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर अधिकारी और उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं और गाड़ियों को रोका जाता था यहाँ से दिल्ली से ले कर जो व्यापारी हैं जम्मू तक के व्यापारी ऐसे हैं, विशेष तौर पर क्या इन्फोर्समेंट उनकी वीडियो तक मीडिया के सामने आ चुकी है। अच्छी, मैं ये मीडिया से यही गुजारिश है कि इस मामले में तह तक जाने के लिए जो भी आपके पास इनपुट्स हैं वो विभाग को दें, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला रहे हैं हम, अब जब जितना भी आपने कहा कि भी ये है ये तुरंत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई शायद जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने ऊपर कम्युनिकेट कर दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें चपरासी से लेकर ड्राइवर तक भी बातचीत करते थे व्यापारियों के साथ, बीच में दलाल जो लोग थे उनके वो भी शामिल इसमें? देखो जी, जो भी आदमी शामिल पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज मतलब एक तरीके से सरकार का देंगे हम कि भी जो भी आदमी चाहे वो चपरासी हो, जब आप कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल का हो तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर ये व्यापारी पहले भी शिकायत करने आते थे आपके पास लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी इनकी, बार बार ये इनको टरका दिया जाता था, इस बार जो है उन्होंने प्रूफ दिए हैं तो इस बार एक्शन दिया जा रहा है?
व्यापारी इतने बड़े अधिकारी आप और आपके पास पिछले दिनों शिकायत आई है, फिर भी उसके ऊपर कोई ऐसा संज्ञान नहीं आया। देखो इसमें सोमवार की बात है शायद, सोमवार को कुछ व्यापारी आए थे और सोमवार को जो व्यापारी आए थे उनकी एक कमेटी बना के अधिकारियों की उनकी गाड़ी चेक करवाई थी। तो मेरे लेवल पे जो भी इस तरह की कोई शिकायत आती है अधिकारियों जो भी व्यापारियों की है उसको बड़े गंभीरता से लेके और व्यापारियों की हर चीज़ को सुना भी जाता है और उनका समाधान भी करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे लेवल पे नहीं है तो मैं उस तुरंत उनके उसको ग्रीवेंस को ऊपर अधिकारियों को भेज देता हूँ। सर व्यापारी को आप पर भी आरोप लगाए? बताएं जी, बताओ आप कौन सा है मेरे ऊपर आरोप? ड्यूटी कहते हैं रोस्टर आप बनाते थे उनका, जो व्यापारियों का यही ज्यादातर व्यापारियों का यही कहना है कि उनके सिवा ऐसा कोई भी मामला ऐसा नहीं पड़ता। ड्यूटी लगाई है एक कादियान परवीन की, कादियान की, लेकिन चेकिंग की परवीन ने, चलान काटा परवीन ने। देखो देखो मेरे ख्याल से जून से पहले ऑनलाइन ड्यूटियां नहीं लगती थी, जून के बाद ऑनलाइन ड्यूटियां लगती हैं, जून 19 के बाद। सर इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सर उनके? सुनो तो, कई बार जब अधिकारी मालिया किसी इमरजेंसी में ये कह देता है जी मैं आज की ड्यूटी मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उस ड्यूटी को दूसरे अधिकारी को भेज दिया। लेकिन रिपोर्ट में सर कोई कारण नहीं है उसके अंदर, कोई रीज़न नहीं? नहीं, रीज़न वो पोर्टल रीज़न नहीं पूछता। मैं आपको फ्रेंकली, कोई अधिकारी छुट्टी पे जाता है, बीमार हो जाता है, तो दूसरा अधिकारी उसमें अपना रोस्टर में भरता है कि इस कारण से छुट्टी पे गया। नहीं, वो ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर ये कारण नहीं है अभी तक। अगर कारण उसमें होगा तो जो कारण भरा जाए। लेकिन हर बार ऐसा सर हुआ है? हर बार मतलब कितने इंस्टेंस? कई बार, दो तीन बार कुछ बढ़ी ऐसा? दो तीन बार के आप बताएं जी। जो एविडेंस उन्होंने दिए हैं उसमें ऐसा ही बात है कि काफ़ी लंबे समय से ये रैकेट चल रहा था। जी, जाहिर समय लंबा हो या कितना भी है, कोई भी जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी? बिल्कुल दे दी है जी, बिल्कुल दे दी है, मीडिया के माध्यम से भी पहुँच गई और मैंने भी दे दी है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है जी, और उनकी कुछ क्योरी थी और उसके अकॉर्डिंगली विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया जो है विभाग की कि कोई भी टैक्स पेनल्टी या कोई भी नोटिस वो उसको जाता है, दिया जाता है, तो उसी प्रकरण में एक विभाग ने एक ऑफिसर्स की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के सामने जो भी माल का मालिक था उसको भी उसकी प्रेजेंस में उस गाड़ी को चेक किया गया, जितने भी उसमें माल था उसको बिल बिल्टियों से मिलान किया गया। उसमें जो अधिकारियों ने पाया कि उसमें जो बिल बिल्टी हैं उनका मिलान उस जो भी लोडेड गुड्स थी उनके साथ हो गया और बाद में वो व्हीकल रिलीज कर दिया अलोंग विद गुड्स। की जांच होगी, विभाग की जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे और उनकी सभी की जांच होगी। उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ मीडिया के सामने कुछ मीडिया हमें दे दे जी? हाँ, मीडिया हमें दे दे या वो डायरेक्टली भी दे दें। मैं उनसे यही अपील करूँगा कि अगर किसी अधिकारी का कोई गलत एक्शन है तो उसको अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और वो चीज़ें उन सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए और उन पे कानून कार्रवाई की जाएगी। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की देख रहे हैं, जहां पर एक और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं और हमारी अपील आप सभी से है, जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यह कोई लाखों का घोटाला नहीं है बल्कि कई करोड़ों का घोटाला है, कई करोड़ों की रिश्वत कांड का यह घोटाला है। हम आपको बताना चाहेंगे, करनाल के सेल्स टैक्स विभाग कार्यालय के बाहर मौजूद है और हम आपको आगे लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जितनी भी गाड़ियां ट्रांसपोर्टर्स की, जितनी भी गाड़ियां व्यापारियों की करनाल के नेशनल हाईवे पर पकड़ी जाती थी उनसे बड़े स्तर पर जो है रिश्वत की डिमांड की जाती थी। इसकी जब ऑडियो वीडियो
जो स्टिंग था वो सामने आया, खुद व्यापारियों ने, व्यापारियों के ड्राइवरों ने जब ये स्टिंग किया, तो कई व्यापारियों का स्टिंग सामने आने के बाद सेल टैक्स विभाग ने मीडिया में मामला जब सामने आया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सेल टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जब बातचीत की तो ये मामला खुलते हुए कहीं देर नहीं लगी। और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि खबर का असर भी हुआ और सेल टैक्स विभाग के तीन अधिकारियों, जी हाँ दो अधिकारी जिसमें एक ईटीओ प्रशांत कादियान का नाम सबसे सामने आ रहा था, इंस्पेक्टर सतीश गुप्ता और ड्राइवर ओम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर सरकार, प्रदेश सरकार जो भ्रष्टाचार फ्री की बात करती है, करप्शन फ्री का नारा देती है, खुद उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र करनाल में हर विभाग में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके बारे में करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार पहले भी बेहिचक दिखाता रहा है। और अब इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सेल टैक्स विभाग की, जहां पर किस तरह से करोड़ों रुपया जो है मंथली जो है इकट्ठी की जाती थी, हालांकि लाखों रुपए की डिमांड करते हुए अधिकारियों की ऑडियो वीडियो सीडी जो है वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और ये सीडी जो है प्रदेश सरकार तक भी पहुंची है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करेगी, लेकिन हमें लगता नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार कई विभागों के मामले सामने आ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे खाद्य पूर्ति विभाग के दो बार फरवरी और पिछले महीने हुए आटा घोटाले में अब तक अधिकारियों के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार सरकार क्यों इन दोषी अधिकारियों को बचाती है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ तमाम सबूत होते हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले करनाल के मार्केटिंग बोर्ड के अनाज मंडी के धान और गेहूं घोटाले को करनाल ब्रेकिंग न्यूज कई बार दिखा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अब यह सामने आया है सेल टैक्स विभाग के किस तरह से अधिकारी, ये जो बड़े बड़े ट्रक्स आप देख रहे हैं, इन ट्रकों को सेल टैक्स विभाग में कई कई दिन रोक लिया जाता था और इनसे जो है शुरू होती थी उगाही का सिलसिला, जिसमें एक बात सामने आई है कि ईटीओ साहब के एक साले साहब हैं जो पानीपत में रहते हैं, वो किस तरह से उगाही में शामिल थे और किस तरह से जो दलाली का काम करते थे वो साले साहब सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि इन्होंने अगर इनकी मांग जांच जो है एक बड़े एजेंसी से कराई जाए, विजिलेंस से ऊपर ईमानदार एजेंसी से कराई जाए, तो कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन लोग जो है दोषी हैं, बल्कि इनके ऊपर तक बैठे जो लोग हैं उन तक पैसा जाता था, क्योंकि जो ड्यूटीज हैं वो यही बड़े अधिकारी लगाया करते थे और उसी अधिकारी को बार बार ड्यूटी पर भेजना सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि लाखों रुपये अगाही करने वाला किस तरह से ऊपर तक जो है साठगांठ है, यहां नहीं बल्कि चंडीगढ़ लेवल तक साठगांठ है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार करनाल नेशनल हाईवे पर सेल टैक्स की ड्यूटीज लगवाने के लिए, यहां पर करनाल में पोस्टिंग लगवाने के लिए ऊपर तक जो है अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि नेशनल हाईवे है जहां से रोजाना बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स के, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, कई बड़े बड़े राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां यहां से निकलती थी और जब उनको रोका जाता था तो एक गाड़ी में अगर 20 लाख रुपए का माल है तो 1 लाख रुपए में जो है डील होती थी। और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा 1 लाख रुपए जुर्माना बचाने के चक्कर में ट्रांसपोर्टर 20,000 रुपए की रसीद कटवाता था और 80,000 रुपए जो इंस्पेक्टर हैं, ईटीओ हैं, वो अपनी जेब में डाल लेते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर एक गाड़ी से 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया वसूला जाएगा तो दिन की उगाही कितनी ज्यादा होती है। इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं, हम आगे पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और हमारी अपील आप सभी से है, जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी अपील है कि कम से कम आपके पास जब इस तरह का मामला जरूर पहुंचता है तो सख्ती से कार्रवाई जरूर करें, ना कि इनाम में अधिकारियों को सिर्फ ट्रांसफर दे दिया जाए, उनको दोबारा से उस सीटों पर बिठा दिया जाए जैसा कि खाद्य पूर्ति विभाग में होता आया है। आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ या भ्रष्ट डिपो होल्डर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों राजनेता ही उनको बचाने के में लगे हुए हैं। हमारी अपील आप सभी से, करनाल के हर एक शख्स से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा सभी फेसबुक ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप देखेंगे पूरी खबर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सेल टैक्स विभाग में किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का रिश्वत कांड जो है सामने आया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।